चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको शिखर जी से सादर जय जिनेंद्र। आज हम बात करने आए हैं कि शिखर जी को बचाना है, पांच का फार्मूला अपनाना है, पर उसके साथ हम बात करने आए हैं, उसके बताएंगे आपको आज कुछ और बातें। निमावर से खबर लेके आए हैं हंसने और गुदगुदाने की, और फिर शांति सागर जी छाणी के परंपरा में पट्टाचार्य पर खींचतान खूब हो रही है। पहले 12 से आई और अब सोनागिरी से आ रही है, और हकीकत में असली बात तो अभी बंद की बंद है। बात करेंगे आपसे गिरनार जी में पट्टाचार्य बना दिए गए हैं और आगरा में आचार्य बनाए जा रहे हैं, कौन क्या कब यह भी बताएंगे। साथ में आपको देंगे आज हम संसद के भूमि पूजन शिलान्यास हुआ तो जैनों का सम्मान किस तरह हुआ, गौरव बढ़ा, वह भी जानकारी देंगे। पर आज बात करते हैं सबसे पहले शिखर जी की, जहां हम इस समय हैं आपके पास। पावन शाश्वत तीर्थ अनादि निधन, कहते हैं क्या अगले 50 साल भी हम इसको ऐसे ही शाश्वत सुरक्षित संरक्षित रख पाएंगे, सवाल इसके ऊपर है, क्योंकि हम इसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। इसके बारे में आज कहते हैं कोरोना के कारण पिछले 6-7 महीने में बहुत कुछ बदल गया है, जितना खराब किया था वह सब साफ हो गया है प्रकृति के द्वारा। तो पांच का फॉर्मूला अपनाएं, ये पांच अपनाएंगे। पहली बात इसके अंदर रखनी है कि ना रहेगा ये पिकनिक स्पॉट और ना बनाएंगे इसको कूड़ा घर। एकदम साफ हो गया पहाड़ी समय, लेकिन वहां पर कहते हैं इसको कभी भी टूरिस्ट प्लेस के लिए, कभी व्यापारी के लिए, कभी खरीदारी के लिए हम यहां पर नहीं आएंगे। आएंगे तो केवल पुण्य अर्जन के लिए, पापों को निर्जरा करने के लिए आएंगे, नहीं कुछ खरीदेंगे यहां पर। कृपया ध्यान रहे, इट शुड नॉट बी ए टूरिस्ट प्लेस। जब भी आएंगे धार्मिक रूप से यात्रा करने वंदना करने आएंगे, कूड़ा घर नहीं बनाएंगे, ऊपर कोई कूड़ा नहीं, प्लास्टिक के थैली बोतल कुछ नहीं फेंकेंगे। ये हमें रखना होगा ध्यान इस बात का। और दूसरी बात जो आती है इसके बाद कि पहाड़ पर खाना पीना बिल्कुल नहीं, कूड़ा घर बचाना है इसको हमें बनने से। अगर ज्यादा आवश्यक है अपने साथ बोतल ले जाइए एक पानी की। चंद घंटे क्या हम भगवान के लिए अपनी इस शुद्धा को खत्म नहीं कर सकते? वास्तव में शुद्धा की कोई चिंता नहीं है, पेट नहीं बोलता है, जीभ लपलपाती है, उस लालच को नहीं रोक सकते हम। क्या जब पहाड़ पर वंदना करने जाएंगे, नीचे तब उतरेंगे, हमारे मुंह में कुछ नहीं जाएगा, तंबाकू तक नहीं लेंगे, कुछ लोग चबाते रहते हैं वह भी बिल्कुल बंद रहेगा। खाने पीने की कोई चीज ऊपर नहीं खरीदेंगे, ना खाएंगे, या शपथ लेकर या संकल्प लेकर जाएंगे पारस प्रभु की। हम तीसरी बात, ना यह अभक्ष्य लेंगे, ना पर यहां कोई रात्रि भोजन करेंगे। जो भी भोजन करेंगे सात्विक करेंगे, धर्मशालाओं में करेंगे, बहुत हमारे लिए वहां सेवाएं हैं। बाहर बाजार से हमें कुछ नहीं खरीदना है, ना कुछ वहां पर खाना है, रात्रि में खाना है, बाहर जाएं शिखर जी से, हम तब खाएं, लेकिन शिखर जी को हमें बचाना है, संवर्धन विकास विकुश कुछ करना है। चौथी बात, दान देंगे यहां पर तीर्थ संरक्षण के लिए, किसी चौकीदार को नहीं, किसी पुजारी को नहीं, किसी वॉचमैन को नहीं, हमें भ्रष्टाचार भी रोकना है। तीर्थ के लिए दान दीजिए, ऊपर पहाड़ की सुरक्षा के लिए तीर्थ क्षेत्र कमेटी को दान दीजिए, बहुत अच्छी बात होगी। पांचवी बात जो आपको कुछ गलत लगती है, भिखारियों और पशुओं को कुछ नहीं। जी हाँ, वैसे जीव दया हमारा धर्म है, अनुकंपा हमारा कर्तव्य है, लेकिन तब भी भिखारियों का जमावड़ा अगर होता है तो केवल हमारे कारण होता है, और यहां पर कहते हैं उसके बारे में चोर उचक छीरा झपटे की बात कहीं नहीं आए। पशुओं को चारा मत दीजिए, यहां पर गोबर मत फैलाइए पावन नगरीय तीर्थ को। और अब हम शुरू करते हैं आपसे अब दूसरी बात इसके बाद कि शांति सागर जी शाणी की परंपरा में क्यों हो रही है पट्टाचार्य के लिए खींचतान, क्यों हो रही है ऐसी खींचतान कि हमें सब पूरा समाज शर्मसार हो रहा है। पहले बात हो रही थी 12 समाज की, कि 12 समाज ने 19 नवंबर को एक पत्र जारी करके मुनि श्री खे सागर जी को पट्टाचार्य बनाने की घोषणा कर दी, और अब आज जो है 13 जनवरी का दिसंबर का पत्र देकर कि हम आगामी 10 जनवरी को आचार्य श्री विवेक सागर जी को हम पट्टाचार्य बना रहे हैं। यानी एक ऐसी परंपरा, वहां कुछ नहीं कहा, यह पत्र हमारे पास उनका आया हुआ है जिसमें लिखा है कि सुमति सागर जी के सभी शिष्य और प्रशिक्षक सभी ने अनुमति दे दी है, श्रेष्ठ जनों ने अनुमति दे दी है। हमने गजराज जी से बात की, उन्होंने कहा हमने बिल्कुल नहीं कहा, हमने विरोध किया इस बात का, जैसे पहले कहा था। त्रिलोक तीर्थ ने सभी समाज से मिलकर, साधु से मिलकर सहमति बना, वही पट्टाचार्य बनाएंगे अभी। लेकिन यह क्यों ऐसा हो रहा है, हमने कई परिषद पूछा, किसी ने मना, सबने मना कर दिया। और जब सुनाते हैं हम जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने कहा हम बना रहे हैं, बसंत जैन जी जो अध्यक्ष है सोनागिरी त्यागी आश्रम के, उन्होंने क्या कहा, उन्हें कोई चिंता नहीं कि कौन बना रहा है क्या बना रहा है, पर हम तो बनाएंगे पट्टाचार्य, उनको आचार्य श्री विवेक सागर जी को।
इसमें आपने लिखा कि आचार्य सुमति सागर जी के सभी शिष्यों और प्रशिष्यों से अनुमति मिल गई है। हाँ तो किस किससे मिल गई आपको? क्योंकि मेरे गजराज से बात हुई हमारी, उन्होंने मना कर दिया, हमने कोई अनुमति नहीं दी है। अरे नहीं दी है उनने तो उससे क्या, हमें गजराज से क्या लेना देना है? हम अपने बना रहे पट्टाचार्य, आप सुमति सागर का कोई शिष्य है क्या? आप बताओ, सिर्फ इनके अलावा तो उस परंपरा का मैं बना रहा हूँ पट्टाचार्य श्रीमान जी। आप बना रहे हैं उसको, प्रोग्राम है हमारा। और दूसरा साधु कौन कौन से मिल रही है अनुमति? अरे साधु होंगे भाई का, उससे क्या है? 30 साधु तो 15-20 साधु तो सेवा कर गई है, बाकी बात हो रहे हैं संयम सागर है जो वो उनने बता दिया है। अभी जो उनके साधु हैं जो उनके समर्थक हैं, जयराज जी ने बताया कि नहीं बताया हमें मालूम नहीं है भाई का जी। तो अपने सागर त्यागी मित्री जो भी है उनके सबकी अनुमति है, मैं नहीं मालूम, मतलब साधुओं की अनुमति है तो है इस पट्टाचार्य में, मतलब कोई है आपका और कोई सुमति सागर का? आपकी बात ठीक है, आपकी बात सुमति सागर जी के बाद बने सन्मति सागर जी, समझ रहे हैं, ज्ञान सागर जी। तो ज्ञान सागर जी की परंपरा में सब उनकी अनुमति से चल रहे हैं, तो ज्ञान सागर जी के अंदर जितने शिष्य आते हैं कोई लेना देना नहीं है ज्ञान सागर से, सन्मति सागर से। जब थे तब थे, अब वो नहीं है तो आप सुमत सागर, अब इनका नंबर है तो इनको बनाना चाहिए, मतलब यही है श्रीमान जी। तो मतलब आप केवल आप बनवा रहे हैं अनुमति, मतलब और उनके शिष्य से नहीं ले पा रहे हैं अनुमति? हमारे पास 50 लेटर रखे हैं, 50 स्वीकृति है, व्हाट्सएप रखे हैं जो उनके शिष्य थे उनके। नहीं ऐसा तो सब चीज हम पे आई है, सब आई है तभी कर रहे हैं भाई साहब। किसी परिषद से अनुमति मिली है? किसी परिषद ने स्वीकार दिया है? अरे परिषद क्या होती है, साधुओं का काम है, परिषद का क्या काम है? आचार्य श्री हमारे जैन समाज के धर्म के श्रेष्ठतम संत वर्तमान के वर्धमान कहे जाते हैं, और देखिए किस तरह का इनका रहन सहन होता है। विहार करते करते कहीं पर बैठ जाते हैं, कोई सिंहासन नहीं, कोई कुछ नहीं, यह है इनकी सौम्यता सरलता। और इसी को देखकर तो पूरा विश्व नतमस्तक हो जाता है ऐसे दृश्य देखकर, कि सड़क पर जहां आपके पैरों में जूतों में बैठ के भी चल नहीं पाते हैं, वहां कैसे वो बगैर उसके सब कुछ बैठ जाते हैं। और अब देखिए उनका एयर कंडीशन वातानुकूलित कमरा जो 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है, 4 प्लाई की ठोकी और उनका वातानुकूलित कमरा तैयार कर दिया। चाहे गर्मी की लू पड़ रही हो, चाहे इस समय सर्दी के जब तापमान नीचे गिरता जा रहा हो, उनके थपेड़ों में कोई शिकन नहीं, कुछ नहीं, और बस कैसे मुस्कुराते सबसे मिलते हैं। और अब दिखाते हैं आपको उनको, राज्यपाल ने हंसाया और आचार्य श्री ने गुदगुदाया कैसे, ये देखिए दृश्य आप। राज्यपाल यादव फिल्मी कलाकार हास्य कलाकार पहुंचे शुक्रवार को आचार्य श्री के दर्शन करने, तो उन्होंने अपने डायलॉग से हंसाया कि म्यूजिक क्या फेमस डायलॉग राम कैसे चर्चित हुआ, और आचार्य श्री ने फिर अपना जवाब दिया उसी अंदाज में पर धार्मिक रूप में, जितना खाओ दुगुना पानी पियो, तिगनी मेहनत करो और 4 गुना हंसो, कैसे स्वस्थ रहोगे सवाल साल तक, सुनिए दोनों से। जंगल से हमें अभिनेता के रूप में पहचान मिल गई थी आपके आशीर्वाद से, लेकिन जो पैसा मिला वो हंगामा से शुरू हुआ। तो हंगामा में एक लड़का है जिसकी बचपन में शादी हो जाती, शहर में उसकी पत्नी रहती, वो अपनी पत्नी की विदा कराने जाता है और वो एक हड़ताल फंस जाता है और वहां पे वो एक लॉज में बार बार लोग आते हैं उसकी पिटाई करके चले जाते हैं, वो पागल हो जाता है, उसको पता नहीं लगता है। तो उसका एक डायलॉग है, वो 3-4 बार इधर जो आता है पीट के चला, पुलिस वाला है वो पीट के चला, जो है उसको पीट के चला जाए तो उसको एकदम वो, अब कहता है साले तू पागल है, तू पागल है। तो उसका एक डायलॉग था बहुत तेज कि मारो मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर के घंटे है कि कोई भी आके बजा जाता है, ये हड़ताल कब खत्म होगी हे भगवान। आधा भोजन कीजिए, दुगुना पानी पियो, तिगुना श्रम, तिगुना श्रम और चौगुनी हंसी, वर्ष सवा सौ जी। और अब अगली खबर, आरिका सुकल्पमती माता जी का समाधि वरण हो गया है। मंगलवार 8 दिसंबर को मध्यान्ह 3:40 पर, यहां आचार्य श्री सुवधि सागर जी की शिष्या हैं आरिका सुवधि माता जी, और उनकी शिष्या थी आरिका
सुकल पर्वती माता जी जिनका यह समाधि मरण हुआ, उन्होंने एक दिन पहले ही 7 दिसंबर को यम संलेखना धारण की थी। चैनल महालक्ष्मी और सान्या वाला शिव परिवार हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और साथ ही एक खबर आई है, अब खुश खबर आई है गिरनार जी से, जहां पर आचार्य श्री निर्मल सागर जी की परंपरा में यानी आचार्य शांति सागर शाणे की दूसरी इकाई के अंदर अब पट्टाचार्य बनाया जा रहा है उमता वाले बाबा जी को, जिस नाम से फेमस है वो आचार्य श्री निर्भय सागर जी को। वहां पर सौभाग्यमल कटारे जी की अध्यक्षता में पूरी ट्रस्ट की कमेटी ने एक सर्वसम्मति निर्णय लिया है कि गिरनार जी के विकास के लिए किसको उचित अध्यक्ष बनाए। आचार्य बिल्कुल सही निर्णय, निर्विवाद रूप से नहीं, एकदम उन्होंने यह निर्णय लिया। और यहां पर जो पट्टाधीश बनाया है वो बनाया है शुल्लक श्री समर्पण सागर जी को। आगरा से भी खुशखबर मिल रही है एक, वहां बना रहे हैं आचार्य पद दिया जा रहा है एलाचार्य श्री अतिवीर जी महाराज को। संलेखनारत गुरु भ्राता आचार्य श्री मेरुभूषण महाराज जी आचार्य पद दे रहे हैं अपना एलाचार्य अतिवीर जी महाराज को। मेरुभूषण जी महाराज जानते हैं आप, जब गिरनार जी के आंदोलन हो रहा था तो लाल मंदिर में इन्होंने अन्य जनते आके बैठ गए थे, और तब हमारे देश गृह मंत्री आडवाणी जी और तत्कालीन जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी, उन्होंने अमित शाह को इनका व्रत यह जो था तुड़वाने के लिए भेजा था। तब तो विश्वास दे दिया था कि हाँ हम गिरनार के सुनेंगे, पर हुआ कुछ नहीं। पर यह मेरुभूषण जी ने हमेशा प्रभावना के लिए लड़ कर कराए और वो बना रहे अतिवीर जी महाराज जी को। हरि पर्वत आगरा में आगामी 20 दिसंबर को दोपहर को कार्यक्रम होगा। अतिवीर जी के बारे में आते दिल्ली 6 के हैं और उम्मीद करते हैं आचार्य श्री विद्यानंद जी के बाद अब उत्तर भारत से फिर एक बार कोई हमारी एक तक आवाज उठाने में कोई सामर्थ आवाज आ पाएगी। और एक खास बात जो पहली बार हमने देखी, सभी समितियों से हमें इनके बारे में शुभकामना संदेश मिल चुके हैं, तीर्थ क्षेत्र कमेटी, शास्त्र परिषद, महासमिति, महासभा, सभी से, सकल दिगम समाज, यमुना पर समाज, सभी से पत्र मिले हैं। हमारी भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और अब हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। नए संसद भवन के भूमि का पूजन का शिलान्यास हुआ था और जैनों को गौरवान्वित किया दो ने, हर धर्म से लोग आए थे। 971 करोड़ के बजट में यह बन रहा है और 75वें स्वतंत्रता दिवस के समय उम्मीद है यह तर्क बनकर तैयार हो जाएगा। यहां पर हमें आचार्य श्री लोकेश मुनि जी ने मंगल पाठ किया, नमस्कार मंत्र कर अहिंसा का संदेश दिया सभी जनों को। वहीं पर इंदु जैन जी ने अपनी मधुर वाणी से मंत्रमुग्ध कर दिया सबको मंगलाष्टक और महावीराष्टक के साथ। जरा एक एक क्षण दोनों की झलकिया। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब साहुणम, ऐसे पंच नमस्कारो सब पाव पणासनो मंगलानं च सब्बेसिं परमं हवई मंगलम। हरे हन्तो भगवन्त इन्द्र महिताः सेधाश सेधीश्वराः शासनोन्नति कराः पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिभराः रत्नत्रयाराधका पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। सुनिए आपने आज की 7 खबरें, पर पते की बात, शिखर जी की संरक्षण करना हम सबको करना होगा साथ साथ। जब भी वहां यात्री आते हैं ना, तो जिम्मेदारी वहां की धर्मशालाओं की समितियों की बनती है। जब चाबी थमाते हैं तो एक पर्चा छाप कर दे दीजिए कि यह 1, 2, 3, 4, 5 बातों के नियम आपको संकल्पित करके ही आगे तीर्थ वंदना करनी होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ जिम्मेदारी उन धर्मशालाओं की भी है और पूरी जिम्मेदारी हम यात्रियों की है। जब हम वहां जाते हैं अपने तीर्थ को सुरक्षित संवर्धन विकास और बचा के रखना है, तो हमें इनको अपनाना ही होगा, तभी हमारी ये पावन तीर्थ
पुण्य का संचयन कर पाएंगे, पापों को हमें निर्जला करवा पाएंगे, कर्मों से शांत करवा पाएंगे और हम भी कभी ना कभी इस मार्ग पर बढ़ पाएंगे। शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए, फिर मिलेंगे नए एपिसोड आपके साथ, नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।